बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अजीम कारकुनों, अहदेदारों, अस्सलाम अलैकुम। आज मैं और चौधरी मंजूर साहब, जहां पे राजा साहब को हसन मुर्तजा साहब तो ऑलरेडी तंजीम का हिस्सा थे, पोर्टफोलियो बदले हैं, इसी तरह खीमा साहब ये भी ये भी चीमा साहब भी इससे पहले तंजीमी अहदेदार थे। तो मैं नई टीम को एक तरफ वेलकम कर रहा हूं और मैं यहां पे सारी तंजीम और पीपल्स पार्टी की क्यादत के बिहाफ पे भी पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक एक कारकुन का, एक एक अहदेदार का, तमाम का दिली तौर पे शुक्रिया अदा करता हूं। आप सबने बड़ी मेहनत और जान जान फिशानी से इंतहाई मुश्किल औकात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का साथ दिया है और यह साथ जारी है इंशाल्लाह। अगर आज तंजीम में तब्दीली हुई, हम तो ये तंजीम बनाते हुए कहा गया था कि 3 साल के बाद रिव्यू होगा, लेकिन मैं इस बात पे भी मुझे फख्र है और मैं शुक्रिया अदा करता हूं चेयरमैन साहब का कि उन्होंने पंजाब की क्यादत के लिए हमारे बड़े भाई साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बतौर डिविजनल कोऑर्डिनेटर, बतौर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, बतौर डिविजनल प्रेसिडेंट, बतौर सेक्रेटरी जनरल ऑफ पार्टी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के साथ काम किया, वजीर आजम बने और हमेशा पीपल्स पार्टी का झंडा बुलंद किया। इतनी कदावर और तजर्बाकार शख्सियत यकीनन पीपल्स पार्टी के लिए, यकीनन पीपल्स पार्टी पंजाब के लिए एक बड़ी ताकत का बायस होगी। हम सब एक एक कारकुन राजा साहब के साथ हैं, हम हसन मुर्तजा साहब के साथ हैं, हम चीमा साहब के साथ हैं, हम मलक उस्मान साहब के साथ हैं और पूरा एक एक कारकुन हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। ये कोई तसव्वुर नहीं है, ओदे आते और चले जाते हैं, कारकुन अपनी जगह कायम रहते हैं। यही बात मैं हमेशा आपको कहता रहा हूं कि ओदे चले जाने हैं, ये रवायत डालिए कि ओदों के बगैर भी पार्टी के लिए काम करना है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, मैं आप सबका फिर शुक्रिया अदा करता हूं। वो कारकुन जो आज यहां मौजूद हैं और वो जो आज यहां मौजूद नहीं है, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं। हमने आपको मुश्किल औकात में भी कहा, अच्छे वक्तों में भी कहा, आपने हस्बे रवायत कभी पीपल्स पार्टी को मायूस नहीं किया और आखिर में हम फैसले करने वाले थे। एक बात आपको यकीन दिलाते हैं कि हमने कोई बदध्यानती से फैसले नहीं किए। हाँ, हमारे फैसलों से हो सकता है कुछ साथियों का इख्तलाफ हो, हमारे फैसलों से किसी का दिल दुखा हो, तो मैं अपने उन साथियों को उनसे गुजारिश करूंगा, मैं उनसे माजरत करूंगा जिनका दिल दुखा। हमारा मकसद इस पार्टी को इंशाल्लाह तगड़ा करना है और चेयरमैन साहब ने पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान से कश्मीर और कश्मीर से बलूचिस्तान, अब वो सिंध का टूर करके जनूबी पंजाब में दाखिल हुए हैं। इंशाल्लाह ताला ये सफर जब पंजाब सेंट्रल में दाखिल होगा तो पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह अपनी माजी की रवायतों पे खड़ी होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया राजा साहब। मैं अपने तरफ से, अपने तमाम साथियों की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूँ, हम आपके छोटे भाई हैं। इससे पहले भी जब आप ओहदों पे थे तब भी आपके साथ थे, ओहदों पे नहीं थे तब भी आपके साथ थे, आज भी हम सारे एक जंजीर की कड़ियां हैं और इंशाल्लाह इकट्ठे होके हमने अपने चेयरमैन का हाथ मजबूत करना है। बहुत शुक्रिया।
नारायण तकबीर, नारायण।